हेलो स्टूडेंट, मैं हूं श्रवण गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का श्रवण लेक्चरर्स चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो वीडियो को लास्ट तक देखना स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोगों को एक कहानी की तरह समझ में आ जाएगा, जैसे कहानी होता है समझ जाते हो उसी तरह यह समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने इस प्रकार से लिखा ही है। ठीक है, मैंने कोशिश किया था कि इसे पॉइंट में लिखो, तो पॉइंट में लिखता तो ज्यादा समझ में आता नहीं, तो इसलिए इसे ऐसे लिखा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को मैं आप लोगों को सही से समझाता हूं पहले। हाँ, आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। तो अब आप लोगों को मैं बताऊं पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पूरी तरह से एक हत्याकांड की बात की गई है, जहां जलियांवाला एक बाग है वहां बहुत सारे लोगों की हत्याकांड की बात की गई है, ठीक है, यहां समझ में आया। और वो बाग कहां था? पंजाब के अमृतसर जिले, ठीक है, पंजाब के अमृतसर जिले में। अब समझो, ध्यान से समझना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में, किसके, यहां एक नाम आता है रॉलेट एक्ट, तो इनकी विरोध में पंजाब के अमृतसर, कहां स्टूडेंट, जो पंजाब है ना उनके अमृतसर जिले की, ठीक है, अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। आक्रोशित का अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्से में थी। किसके कारण? रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि रॉलेट एक्ट जिसका नाम है उनकी विरोध में, यानी कि उनकी विरोध में, उनकी मतलब शासन के चलते पंजाब की जो अमृतसर जिले की जनता है ना बहुत ही अत्यंत आक्रोशित थी, ठीक है। अब देखो, सैनिक जो यहां आता है, सैनिक शासन, जो सैनिकों का शासन होता है, मतलब सैनिक मतलब इनके शासन पर रहते हैं, वो चाहे तो छोड़ दें चाहे तो मतलब शासन में रखें, तो सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया। यहां एक पॉइंट आता है, जनरल डायर को सैनिक शासन का नियंत्रण दिया गया था, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया कि 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां जो था सभा में सार्वजनिक प्रतिबंध लगा दिया, कब? 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, जो सार्वजनिक सभा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था। अब स्टूडेंट, ये जो प्रतिबंध लगाया गया था, तो इनकी जो जानकारी है ना, मतलब उनके अमृतसर में जो जनता थे उनके, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। और कौन लगाया? जनरल डायर ने, ठीक है। तो जनरल डायर ने जब इसको लगा दिया तो जनता को पूरी तरह से पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। यहाँ एक नाम आता है वैसाखी, यही त्योहार था। अब आपसे पूछ ले कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार था? तो वैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, ये जो स्टूडेंट जो नीति लगाई गई थी उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो जलियांवाला बाग ना है ना, उसमें एक सार्वजनिक बहुत सारे लोगों का, ठीक है, सभा का आयोजन किया गया, मतलब एक सभा बनाया गया, ठीक है। मतलब आयोजन करना का अर्थ है कि सभी को बुलाया गया इकट्ठा, कहां? जलियांवाला बाग में। वो एक बाग था जिसका नाम है जलियांवाला बाग। तो यहां आप लोगों को समझ में आया, कितना इजी है स्टूडेंट, क्या कहो? रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में जनता अत्यंत आक्रोशित थी, और सैनिक का शासन जो था, शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया, ठीक है। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं थी। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। तभी जनरल डायर, तभी कौन, जो मतलब जो सैनिक शासन का नियंत्रक था, नियंत्रण करता था, वो क्या किया कि तभी जनरल डायर 20 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर, कितने, 20 जो अपने देश के थे देसी और 50 जो गोरे लोग थे, ठीक है, विदेशी को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। लगभग 250-300 सैनिक थे, वो जो थे बाग के एकमात्र, मतलब पूरा बाग था, मतलब पूरा बाग, ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा बाग है, ठीक है,
और यहां केवल एक ही दरवाजा लगा है, ठीक है, एक ही दरवाजा। तो यही एकमात्र दरवाजे को ये 200 देसी और 50 घोड़े और जनरल डायर ने रोक लिया, ठीक है, एकमात्र दरवाजा था उसे भी मतलब वहां घेर लिया, रोक लिया। और निहत्थे जनता, जो जनता के पास कुछ नहीं था, मतलब उन्हें बुलाया गया तो वो जलियांवाले मतलब बाग में आए, ठीक है, तो इसीलिए वो जो निहत्थे जनता थे उस पर गोली का बौछार लगभग 10 मिनट तक किया गया। सोचो अगर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक कर दिया जाए तो कितने लोग मारा जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने किसान यहाँ थे तो निहत्थी जनता कितनी मर गई होगी, ठीक है। तो वहां हजारों मारे गए, हजारों लोग मारे गए, ठीक है, यहाँ लिख दो हजारों लोग। देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो है हजारों लोग मारे गए यहाँ। अब देखिए जब 10 मिनट तक गोलियों का बौछार हुआ तो हजारों लोग मारे गए और असंख्य, गिन नहीं सकते, असंख्य लोग घायल हो गए। हजारों लोग मर गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कितना भयानक था ये हत्याकांड कि बुलाया गया जलियांवाले बाग में और क्या किया गया, सबको इकट्ठा किया गया। तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया और निहत्थे जनता पर गोली चलाना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलियों का बौछार हुआ, हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके पहले का टॉपिक अगर आप लोग इटली का एकीकरण, किसका, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ भी दीजिए, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना। अगर हाँ चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं भी आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज बना सकूं, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। सामाजिक विज्ञान की तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।